बसमिल रिमा अल्लाम मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद आज इस वीडियो लाग में हम आपको फ़ाल आर्मी वर्म जो ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया फार्मिंग के लिए एक मेजर थ्रेट के तौर पर मरजू है उस बारे में कुछ आगाही देंगे जिसमें कि फ़ाल आर्मी वर्म की ख़ास पहचान क्या है और इसका बिहेवियर क्या होता है डैमेज पैटर्न क्या होता है नुकसान का तरीक़ाकार क्या होता है फिर इसका जो निज़ाम हयात है या लाइफ साइकिल एंड बायोलॉजी है कुछ मुख्तर उस बारे बात करेंगे क्योंकि ये एक नया थ्रेट बन के सामने आया है तो हमारे अक्सर काश्कार भाइयों को और जो फील्ड में ग्रेरियन काम करते हैं उनको इसकी खास शनाख से और इसके तरीक़ा नुकसान से अच्छी तरह आगा हो जाए जिस तरह मैंने कहा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आप लैटिन अमेरिका की बात कर लें ब्राज़ील अर्जेंटाइन इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें टेक्सास फ्लोरिडा कैलिफ़ोर्निया अदर स्टेट्स ओहायो फिर आप यूरोप और अफ्रीका में ये कोई 2016 में अपीयर हुआ है फाल आर्मी वर्म और फिर इसका हमला बढ़ता चला गया है इसी तरह एशिया में हमारे में इंडिया में सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जहाँ भी फसलें या कहें स्पेशली मकई काश्त होती है ना फाल आर्मी वर्म एक थ्रेट बन गया वहाँ फार्मिंग के लिए और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह पिछले कुछ सालों में टिड्डी दल या वो लोकस्ट एक वबा की शक्ल में आता था ये फाल आर्मी वर्म भी एक वबा की शक्ल की में, सूरत में हमला करता है तो अब आ जाए थोड़ा सा इसका जो लाइफ साइकिल है उस हवाले से फॉल वर्म की जो फीमेल है मादा परवाना है उसकी उम्र मौसम पे डिपेंड करता है दस से बीस दिन होती है और इस दौरान को कोई पंद्रह सौ से दो हजार फिफ्टीन हंड्रेड से टू थाउजेंड तक एक्स अंडे देती है अच्छा अंडे देने का पैटर्न बड़ा खास है ये पत्ते के निचली साइड पे ना निचली साइड पे सौ दो सौ की शक्ल में एक तय की शक्ल में जो अंडे अपने पेस्ट कर देती है और उसके ऊपर बॉडी स्केल या बालों का गुच्छा अपना बखेर देती है ताकि वो नमी से धूप से या प्रीडेटर प्रिडेटर से, सेफ़ रहें अच्छा अगर आप इन एक अंडे को जिस तरह हम आपको साथ इमेज दिखा रहे हैं गौर से देखें तो ये नीचे से फ्लैट होता है और ऊपर से गोल यानी गुम्बद की शक्ल का होता है एक एक वो दो से तीन दिन में उसमें से सुडी या लार्वा जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है वो निकल आते हैं उसका साइज़ चावल के दाने के बराबर होता है तो शुरू के स्टेज में जो फर्स्ट इंस्टार लारवे है वो ये गुच्छों की शक्ल में टुकड़ी ये कह लें कि जिस तरह ग्रुपों की शक्ल में ये पत्तों पे हमलावर होते हैं और पत्ते की एक तय को खुर्च खुर्च के खाते हैं जाली सी बन जाती है ये सबज़ रंग का होती है शुरू के जो फर्स्ट इंस्टार है शुरू छोटी सुंडी जो है और ब्लैक हेड सर इसका स्याह होता है फिर जब ये थोड़ा सा खा, खाना पीना अपना शुरू करती हैं इनका नेक्स्ट स्टेज सेकेंड स्टार आती है तो उसमें हेड जो सारा ब्राउन हो जाता है बॉडी ज़रा ग्रीन ही रहती है तो वहाँ पे क्या करते हैं ये पत्तों के किनारों को और पत्तों के दरमियान सुराख करना शुरू कर देते हैं जिस तरह ये अगर आप डैमेज पैटर्न दिखाएं ना जी तो ये अगर जो दरमिया कोम्पल में मौजूद होता है ये लारवा वो जब पत्ते बाहर आते हैं तो बड़ा टिपिकल किस्म का एक मार्जन उसमें वो जाली सी बनी होती है अब गोल गोल जो शराख बने होते हैं इसके बाद जो इसकी थर्ड इंस्टार आती है उसमें इसका रंग ब्राउन होना शुरू होता है और जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स इंस्टार है जैसे हालतें हैं क्योंकि जो सुंडी जो है अपने हैग हैचिंग से अंडे से निकलने से परवाना बनने तक मुख्तलु मरहलों से गुजरती है हर मरहले को हम स्टार कहते हैं तो आप सादा लफ्ज़ों में कह लें कि जो बड़ी सुंडियाँ होती हैं ना जी वो जो बड़ी संडियाँ वो पत्तों के किनारों को भी खाती हैं अच्छी तरह बल्कि पूरा पूरा पत् ही खा जाती हैं और वो जिस तरह आप ये देखें बाद पत्ते पूरे ख़त्म कर दिए हुए हैं और जैसे बकरियाँ चरती हैं जी अच्छा इसका डैमेज पैटर्न फाल आर्मी वरम का आम लश्करी आम आर्मी वरम से थोड़ा मुख्तलफ है वो तो है कि खेत में कहीं कहीं टुकड़ियों की शक्ल में हमलावर होता है लेकिन फाल आर्मी वरम तो फिर एक दफ़ा वो जिस तरह मैंने कहा ना टिड्डी दल की जैता रहा पूरे खेत को झाड़ देता है जो चीज़ इसके सामने आती है उसको उड़ा देता है अच्छा अब ख़ास एक निशानी जो हमारे काश्तकों के लिए और बाकी फील्ड अग्रेरियन के लिए है कि फाल आर्मी वरम का जो बड़ी सुंडी है उसके जो सर है ना ऑरेंज कलर का या डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसके ऊपर अंग्रेजी है ना जी वाई उल्टा वाई शेप एक स्ट्रक्चर बना होता है निशान बना होता है और दूसरी निशानी यह है कि उसके एट थब डिनल सेगमेंट पे अब सादा लफ्जों में ये कह लें कि पेट के आखिरी हिस्से पे चार नुमाया, इस आमने सामने जिस तरह वो लूडो के दाने पे चार आ, स्पॉट बने होते हैं ना जी ब्लैक स्पॉट इस तरह ये डार्क ब्राउन किस्म के नुमाया स्पॉट होते हैं पेट के आखिरी हिस्से में जी तो फाल आर्मी वर्म की जो शनाख्त है ये बड़ी अहम है ताकि ये आम लश्करी सुंडी या दूसरे जो लार्वे फील्ड में होते हैं उससे कंफ्यूज ना हो हम कि इसका सर ऑरेंज कलर का और उस पर उल्टा वाय बना होता है और पेट के आखिरी हिस्से पर बड़े नुमाया चार दब्बे होते हैं आमने सामने चार निशान वो स्पॉट बने होते हैं जी इसका डैमेज पैटर्न भी हो गया और हमने जो बात की है इसके अंडों के बारे में और लार्वे की मुख्तल हालतों के बारे में अब जो अगली बात यह है कि हमें आर फाल आर्मी वरम के कंट्रोल के लिए सब सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है कि इस तरह के कोई स्मार्ट पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें कि जो कीड़े के लिए तो जहर का, का काम करें लेकिन प्लांट के लिए या मकई के लिए वो न्यूट्रीन का एक फूड सप्लीमेंट का, का, का काम करें पौधे पे किसी किस्म का दबाव ना आए कीड़े को तो फौरन मार दे फाल आर्मी वर्म को तो फौरन मार दे जिस तरह ये हम दिखा रहे हैं सियात सुंडी हुई हुई है और लेकिन लंबे अरसे तक का कंट्रोल भी दे तो ये आज इस वीला का मकसद आपको ये बुनियादी गाही देनी थी आपके जो मज़ीद सवालत होंगे वो कमेंट्स में आएंगे तो उसको हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे जी बहुत शुक्रिया